अपना खजाना आज है जीनू भाई का हैप्पी वाला बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। आज जीनू भाई का बर्थडे है तो खाना वही बनाएंगे और हम सबको खिलाएंगे और मैं और तेगुआ उनको गाइड कर देंगे खाना बनवाने में। बर्थडे इसका मैं से क्यों कथा मजदूरी करवा रहे हो? मेरे साथ तो मोए मोए हो गया। ओए मोए मोए के बच्चे सुन, आज खाने में बनेगा रोटी वाला पिज्जा और मेरा फेवरेट पानी वाले नूडल्स। तो चलो जीनू भाई कुकिंग शुरू करो। अबे करना क्या बोल तो दे, तुम्हें जो आता है करो। बाबा जी का टुल्लू कुछ नहीं आता इन दोनों को। साले हल्के में ले रहे, इनके खाने में मिर्ची डाल देंगे फिर जलेगी ना, पानी भी नहीं देंगे। तेगुआ तू बोलते नहीं सुनेंगे। हेलो मैं तेगुआ बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? हट मैं तेरे से, अच्छा मैं ही बोल लेता हूँ। खाना बनाने से पहले अपनी थोड़ी हड्डियाँ चटका ले, ठीक है? अबे यार ये खाना बनवाएगी पहलवानी कराएंगे हमसे। ओए कुमकरण उठ, बोल उनको क्या करना है। युंगी सुन, तू पहले किमची को अच्छे से साफ कर ले और जीनू भाई आप चिकन काट लो। यार ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। छोड़ मैं ही बोलता हूँ। जीनू को बोले छोटे छोटे टुकड़े कर ले। जीनू सुन लिया ना तूने, छोटे छोटे टुकड़े कर दे चिकन के और हाथ धो के ग्लास पहन लो। नहाते तो हो नहीं तुम लोग, गंदे लोग। पिछले साल ही तो नहाया था, अब सर्दी आ गई क्यों ना हो। अरे इतनी बदबू तो मेरे कच्छों में से नहीं आती है जितनी इस डब्बे में से आ रही है। युंगी तू ना किमची को अच्छे से धो ले, ऐसे धो ना कुछ 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 वॉशिंग मशीन में डाल के धो लो। अबे कितना धोएगा, उंगलियां घिसके नाले में बह जाएगी तेरी। 10 बार फिनाइल से धो लिया, साफ ही नहीं हो रहा है ये। फिनाइल से कौन धोता है, बर्तन वाले साबुन से धोते हैं। कब बनेगा इनका खाना, पेट में चूहे कूद कूद के मर गए। यार पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, चूहे मारने वाली दवा खा ले, तू भी मर जाएगा और चूहे भी। बंदा खत्म भूख खत्म, भूख लगी ये खा ले चाकू के साथ, अंदर कट जाएगा कुछ कुछ, चबाना नहीं पड़ेगा। बदतमीजी करेगा वहाँ के मारू के। सारे ने फोन काट दिया, बैलेंस खत्म हो गया होगा, 20 का रिचार्ज कराता है ना तू गरीब लोग। जानबूझ के फोन काटा है मैंने, कान में कच्चर 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 करके कान फाड़ दिए थे मेरे। बोल दे उनको काट दिया हमने, जो बनाएंगे खा लेना, इतने ही छोटे काटने थे ना, देख बोलो। अबे गधे फोन चालू कर, छोटे काटो। ए इसमें बोल क्या बोलना था, भूल गया मैं तो। सारे उल्लू के पट्टे मेरे पल्ले पड़े, सुन बे थोड़े और छोटे काट, अगली बार भी तू ही बोलियो, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती। यार ये अमीर के बच्चों को कौन लाता है इधर। यार मेरे कच्चों में तो पसीना आ गया, डांस करके सुखा लेता हूँ। अबे कितना फोन करोगे, कच्चे तो सूखने दो मेरे। ओए हेलो युंगी सुन, शिमला मिर्च को लंबे लंबे काट दे। शिमला मिर्च क्यों कटवा रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद शिमला मिर्च। मेरे लिए ना तू बिना शिमला मिर्च वाली सब्जी बनवा दे अलग से। ठीक है सेठ जी, 2 सब्जी बनवा देंगे आपके लिए, और कुछ बनवाना है सेठ जी? बूंदी का रायता बनवा दे। खुद ही बोल दे, मेरे को तो गाली मारेंगे वो। शिमला मिर्च लगता है मिर्ची की सौतेली बहन है, तभी तो तीखी नहीं है। ये काटी शिमला मिर्च कुतुर कुतुर। युंगी अब जल्दी से प्याज भून दे, टाइम नहीं है। जीनू पता है प्याज बहुत महंगे हो गए, मैंने तो 2 प्याज जेबी में चुरा लिए। उनको प्याज डालने से मना करो। अरे बिना प्याज की सब्जी कैसे बनेगी, मैं प्याज नहीं खाऊंगा, व्रत है मेरा। हेलो प्याज भी फेंक दो, सब कुछ फेंक दो, खाली कढ़ाई दे दो, ये चाट लेगा। पागल हो गए दोनों, हम तो डालेंगे प्याज, अपनी मर्जी से बनाएंगे, एकदम चुम्मेश्वरी खाना। अबे मैं कह रहा हूँ प्याज मत डालो, सोमवार का व्रत है मेरा, टूट जाएगा। ओ व्रत टूट जाएगा इसका, अब तो मैं पक्का डालूंगा प्याज। कमीने तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता, कानपुर में हड़ताल है क्या? तो फिर ये खा ले। कमीने ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। बोलता रहा, मैं तो अपनी मर्जी से अपनी मसालेदार सब्जी बनाऊंगा। ये डाली ढेर सारी किमची, इस तू सके छोड़ दिया, ये घर लेके जाएगा के? अरे ना भाई, जेब में प्याज है कैसे ले जाऊं घर, पता नहीं कब बनेगा खाना। जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे। अबे वो कपड़ा नहीं कैंची से काट रहे हो, मिक्सी में पीस लो। ओके हम नहीं सुनेंगे तेरी बात, बदतमीज कहेंगे। ओ माय गॉड खाने का मर्डर कर दिया इन लोगों ने। अब थोड़ा केचप डाल दो सब्जी में, पूरी बोतल डलवा दो, केचप मुझे बहुत पसंद है। सुन बे पूरी बोतल डाल दे केचप की। जीनू भाई देखो मेरी डोलो की पावर। ओह खुल गया, अभी देख के आती वरना। तेरे को केचप बहुत पसंद है ना, थोड़ा ही डालूंगा बस। इसने मेरे बाबू की बात नहीं मानी, छोड़ूंगा नहीं इसे। तेरे को तुम टेंशन ना लो, ईश्वर को मार मार के मैं केचप बना दूंगा। इस बिल्ले को तो ना कुत्ते की मौत।
मारूंगा। प्याज मुझे पसंद नहीं, इतना सारा डाला। केचप पसंद है, वो इतना सा डाला। हाँ, उस बिल्ले को हम बम से उड़ा देंगे। युंगी के पास खुद गोली है, वो तुम दोनों को उड़ा देगा। ये तो मैंने सोचा नहीं, हम नहीं उड़ाएंगे उसे। हाँ, हम नहीं उड़ाएंगे। मैं तो गुस्सा ही ठंडा हो गया। जीनो, चीज डाल रोटी पे। डालू? ये नई चीज डालनी है। सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई, मुई मुई कर लेते हैं। चूहे के इधर, सब्जी में डाल दूंगा पकड़ के। चूहा ढूंढ रहा है युंगी। नो नो नो। जीनो भाई, कढ़ाई साफ कर लो। इसकी अम्मा का नौकर लगा पड़ा हूँ, जो बर्थडे के दिन बर्तन साफ करूँ, टिश्यू पेपर से साफ कर देता हूँ। देखो, हो गया ना? साफ भी नहीं गया यार, कितने गंदे लोग हैं। मैं नहीं खाऊंगा इनका खाना। हाँ युंगी, डाल दे रोटी तवे में। हाँ, बहुत अच्छे। अब जो सब्जी बनाई है ना, वो डाल दे इसके ऊपर। रोटी पकने तो दे, तब ना डालूंगा सब्जी। कच्ची कच्ची खाएगा सब्जी रोटी। कच्ची खा लेंगे, पेट में जाके सब्जी रोटी पकी जाएगी। युंगी भाई, अब है ना आटा गूंथ लो पास्ता बनाने के लिए। अब इस आटे में ना एक बाल्टी पानी डाल दो। जल्दी डालो ना। एक बाल्टी? गलत बोल रहा है साला। मैं नहीं सुनूंगा इसकी बात। मैं तो थोड़ा सा पानी डालूंगा। टुपुक। अबे गधे, एक किलो आटे में इतना सा पानी डालेगा? अरे मैं तो चेक कर रहा था, आपको पता है कि नहीं। अब देखो, पूरा बॉटल डालता हूँ मैं। कुछ ज्यादा पानी मत डालो, आटा गीला हो जाएगा। लो, कर दिया सत्यानाश। ये तो ठीक हो जाएगा, देख। जीनू भाई, अब रोटी के ऊपर सब्जी डाल दो। अबे इतना के तेरा खानदान खाएगा, थोड़ी निकाल सब्जी। यार लगता है मैंने ये डिश खराब कर दी। मैंने तो आटा ही खराब कर दिया, देख। जीनू भाई, अब उस सब्जी के ऊपर एक और रोटी रख दो। ये ले, रख दी। अब बहुत अच्छे, अब उसको पलटा। पलटा ना। ये ले।